Hello students, welcome back. How's everybody? So students, in this lecture we are going to discuss about the 25 questions that came in your SSC CHSL exam that was held on 11 July 2019. Earlier in last slide we discussed about the first morning shifts questions, and now we will discuss about the afternoon shifts questions. Okay, so let's get started. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये राष्ट्रपति जी ने जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्टार्ट करी थी, और ये कब करी थी, और ये मुद्रा योजना है क्या, ये देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, पहले एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये कब स्टार्ट हुई थी, कब ये लॉन्च हुई थी आपकी, एट्थ को ये लॉन्च हुई थी 2015 में. क्यों, किस लिए, टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का जो है इसमें जो लोन अमाउंट की राशि थी वो 10 लाख रुपए तय की गई थी. किसको प्रोवाइड करने के लिए, टू नॉन कॉर्पोरेटिव सेक्टर या बिजनेस, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो स्केल इंटरप्राइज, जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस योजना को जो है हमारा जो है प्रधानमंत्री जी लेके आए थे अप्रैल 8 में. ठीक है, अब इसमें तीन तरीके की कैटेगरीज थी. अब मुझे ये बताइए, ये देखिए ऑप्शंस हैं, परुष, तरुण, किशोर या शिशु, इसमें से कौन सा ऐसा लोन अमाउंट है जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इंक्लूडेड नहीं था. सो द आंसर इज परुष, पुरुष जो है इंक्लूडेड नहीं था, तरुण, किशोर एंड शिशु. अब इस मुद्रा योजना के अंडर तीन आपके लोन अमाउंट दिए जाते हैं, वो क्या क्या, तरुण, किशोर और शिशु. सबसे पहले आता है आपका शिशु, ठीक है, SHI SHU. ये शिशु क्या है, इसमें लोन अप टू 50,000 तक लोन जो है इसमें दिया जाता है शिशु. फिर आती है आपकी किशोर, सबसे पहले एक बच्चा होता है फिर किशोर बनता है, ठीक है, 10 लाख रुपए तक इसमें लोन दिया जाता है. किशोर में क्या होता है आपका, लोन्स अबव 50,000 टू फाइव लाख्स. ओके, 50,000 से लेकर 5 लाख तक की राशि इसमें दी जाती है. और फिर शिशु किशोर के बाद आता है आपका तरुण. तरुण योजना में आपका, तरुण में लोन दिया जाता है 5 लाख से ऊपर तक, ठीक है, लोन अबव 5 लाख्स. और जैसे कि इसकी मैक्सिमम राशि जो है वो 10 लाख है, 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में इसमें लोन दिया जाता है तरुण के अंदर, ठीक है. सो आई होप ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, मैंने सारी चीज को बता दी है. किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च की थी ये स्कीम, ये भी आपको पता चल गया है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर टू द थर्ड क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट डज NEFT स्टैंड फॉर. NEFT, बैंकिंग में ये जो टर्म है NEFT, ये यूज होता है. व्हाट इज दिस NEFT, फुल फॉर्म ऑफ NEFT इज, ऑप्शन वन इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सेकेंड इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर, थर्ड इज नेशनल इक्विटी फाइनेंस ट्रांसफर एंड फोर्थ इज नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफरेक्शन. सो द आंसर इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस NEFT. इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अब ये जो NEFT है आपकी, ये स्टार्ट हुई थी 2005 में, ठीक है, 2005 में. और इसको देखता कौन है NEFT को, ये आपका RBI जो है वो इसकी सारी चीजों को संभालता है, ठीक है. स्टार्टेड इन 2005, RBI मैनेज करता है इसको. अब जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, जैसे कि आप ऑनलाइन जो है मनी ट्रांसफर करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो तीन फॉर्म्स में आप कर सकते हो. या तो आप NEFT कर लो, ठीक है, एक होती है आपकी RTGS एंड द थर्ड इज IMPS. इन तीनों के द्वारा जो है आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. NEFT को आप हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, ठीक है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो आप ये जो मनी ट्रांसफर करते हैं वो NEFT के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. अब इसकी डिटेल हम बाकी स्लाइड्स में पढ़ेंगे, इसमें हमें इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ आपसे डेफिनेट इसमें फुल फॉर्म मांगी है.
So the fourth question is, which of the following is not a classical language of India? इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है? तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा और पाली. एंड द आंसर इज पाली. हमारी जो पाली है ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में नहीं आती. तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा, दे कम इन योर क्लासिकल लैंग्वेजेस. ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ. सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तराखंड? And it is located in Rajasthan. So मैंने आपको पहले बताया था कि टाइगर रिजर्व आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं. बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में कौन कौन से आपके टाइगर रिजर्व हैं? मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व इज इन महाराष्ट्र. सेकेंड इज सह्याद्री. सह्याद्री आपने सुना होगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र. उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट, आपने सुना होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. ठीक है, ये उत्तराखंड में है आपका. एमपी में आपके कौन कौन से हैं? ये कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में. कान्हा नेशनल पार्क ये भी एक टाइगर रिजर्व है, कान्हा नेशनल पार्क. झारखंड में आपका पलामाऊ टाइगर रिजर्व है. PALAMAU पलामाऊ टाइगर रिजर्व. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट राजस्थान. राजस्थान में एक तो सरिस्का हो गया आपका, एंड द सेकेंड टाइगर रिजर्व इज रणथंभौर RANTHAMBOR रणथंभौर टाइगर रिजर्व है इसमें. और मुंदकारा हिल्स ये भी जो है आपके राजस्थान में स्थित है, टाइगर रिजर्व है ये भी. ओके, केरला में है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व. PERIYAR पेरियार टाइगर रिजर्व ये बहुत ही फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन यूपी में देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश में आपके कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? एक तो दुधवा एंड पीलीभीत. दुधवा नेशनल पार्क आपने सुना होगा. दुधवा एंड पीलीभीत, PILIBHIT पीलीभीत, ये भी यूपी में है. अब एमपी में देखते हैं. एमपी में आपका कान्हा नेशनल पार्क है. ठीक है, ये हमने कर लिया था एमपी में कान्हा नेशनल पार्क. एक आपका इसमें सतपुरा टाइगर रिजर्व भी एमपी में है. सतपुरा टाइगर रिजर्व आपका पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना एमपी में है. देन संजय डुबरी भी एमपी में है. संजय डुबरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन एमपी. असम में आपका टाइगर रिजर्व है ओरांग. असम में आपका टाइगर रिजर्व क्या है? ओरांग, ORANG. ठीक है, now let's move to the sixth question. And your sixth question is, which of the following decisions was taken in the first cabinet meeting of the Narendra Modi 2.0 government? जो आपकी नरेंद्र मोदी जी की एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें से कौन कौन से decisions जो लिए गए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए थे. पहला है आपका अनाउंसमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. सेकेंड है आपका डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 की PSUs. थर्ड इज स्कॉलरशिप टू वार्ड्स ऑफ मेरिटर्ड स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स. एंड द फोर्थ इज एक्स ऑप्शन आयोन ऑफ आयुष्मान भारत प्रोग्राम. द करेक्ट आंसर इज उन बच्चों को स्कॉलरशिप देना जो कि मेरिटर्ड, मरे हुए जो है आपके फिर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन पुलिस वालों के, पुलिस ऑफिशियल्स के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना. ओके, सो लेट्स सी द question is, Dhanu Yatra is an annual open air theatrical performance celebrated in. Dhanu Yatra एक annual हर साल होने वाला open theatrical performance है. open theatre में जो performance होती है Dhanu Yatra, ये कहाँ पर होती है, कौन से state में? क्या ये गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर असम? and the answer is उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा में जो है ये Dhanu Yatra नाम का
थिएटिकल परफॉर्मेंस होती है, और ये होती कहाँ पर है, कौन सी जगह, उड़ीसा में बारगढ़, ठीक है, बारगढ़ में, BARGARH, बारगढ़ में होती है ये। और इसमें क्या होता है, इस परफॉर्मेंस ये होती है लॉर्ड कृष्णा की, जो डीड थी हमारी, लॉर्ड कृष्णा जो भगवान है थे हमारे, उनकी जो अच्छी अच्छी जो कर्म थे, नीतियां थी, उनके ऊपर ये सारी जो है परफॉर्मेंस होती है। नाउ द एट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस स्नूकर प्लेयर इन इंडिया। इस इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा फेमस स्नूकर प्लेयर है, प्रजनेश गुणेश्वरन, विमल कमल, शरद अचंता, या फिर पंकज आडवाणी। सो योर आंसर इज पंकज आडवाणी, ये हैं आपके स्नूकर प्लेयर, फेमस स्नूकर प्लेयर। अब बात कर लेते हैं प्रजनेश की, प्रजनेश की, गुणेश्वरन, ये क्या प्लेयर है, ये है आपके टेनिस प्लेयर, ठीक है, ये है आपके टेनिस प्लेयर। नाउ विमल कुमार, विमल कुमार है आपके बैडमिंटन प्लेयर, इनको यू विमल कुमार बोलते हैं, एंड ही इज अ बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है, ये बैडमिंटन के हैं। शरत अचंता, शरत अचंता है आपके टेबल टेनिस प्लेयर, ये है तमिलनाडु से, नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है ये, फ्रॉम तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु से है ये। एंड पंकज अडवाणी इज द करेक्ट आंसर, फेमस स्नूकर प्लेयर इन इंडिया। नाउ मूव क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपका, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड निर्भय इन अप्रैल 2019, इट इज एन, क्या है ये, निर्भय जो है आपकी, ये टेस्ट करा था इन्होंने, इंडिया ने, अब ये अप्रैल 2019 में ये निर्भय है क्या, पहला क्या है सुपरसोनिक मिसाइल है, सेकंड इज टी आर ऑप्शन सोनिक मिसाइल, थर्ड इज सब सोनिक मिसाइल, एंड फोर्थ इज हाइपरसोनिक मिसाइल, क्या है आंसर, दी आंसर इज सब सोनिक मिसाइल, ठीक है, सब सोनिक मिसाइल। अब जो सुपरसोनिक होती है आपकी, ये स्पीड जो है ट्रेवल करती है अराउंड 2 से 3 मैच, ये एक वो है आपकी यूनिट MACH, और ये 1 सेकंड में अप्रोक्स 1 किलोमीटर जो है सुपरसोनिक चली जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है आपकी, ये स्पीड की साउंड से 5 गुना तेज चलती है, 5 मैच, 5 मैच, मैच इज योर यूनिट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, एंड योर 10th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कौन सी, अब ये देखिए आंसर ऑप्शन सी हो यहाँ पे, सोन, केन, गंधक एंड बेटवा, द आंसर इज गंधक, ओके, आंसर इज गंधक। अब आप ये देखिए इसमें एक चीज, सोन रिवर है आपकी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन जो आपकी गंधक है ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी, और सोन भी जो है आपकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, दो दो ट्रिब्यूटरीज दे दी, और इसमें देखो और भी कॉम्प्लिकेट क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा रिवर की, वो है गंधक आपकी, अदरवाइज ऑप्शन दो दो दिए हुए हैं इसमें ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। तो हम गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं आपकी, गोमती, ठीक है, एक कोसी, गंधक, घाघरा, घाघरा एंड यमुना, दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर रिवर गंगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट यमुना, यमुना, और वी कैन से कैन जो है, कैन यहाँ दिया हुआ है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है यमुना रिवर की, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो यमुना की आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेट्स सी, चंबल, चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सिंध, SINDS, सिंध, बेटवा, बेटवा, टॉस, TONS, टॉस, एंड हिंडन, हिंडन भी आपकी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हिंडन, ओके। सो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है गंगा और यमुना की, ये सारी ट्रिब्यूटरीज किस किस रिवर की है ये मैंने बता दिया। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन नाउ, एंड योर 11th, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द आइडिया ऑफ इंडिया, एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज सुनील
खिलनानी, सुनील खिलनानी इज द ऑथर ऑफ बुक आइडिया ऑफ इंडिया. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज देवनम प्रिया. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन. सो देवनम प्रिया किसको बोला जाता है? एंड अशोका वॉज नोन एज देवनाम पिया. अशोका वॉज नोन एज देवनाम पिया. लेट्स मूव टू द फेमस सिविल राइट एक्टिविस्ट आयराम शानू शर्मिला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ये एक फेमस जो है आपके एक्टिविस्ट थी, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. आयराम शानू शर्मिला को आयरन लेडी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हैं, बिलोंग करती है मणिपुर से. अब इन्होंने, आपको पता होगा, एक लेडी थी, ये 6 ईयर्स की हंगर स्ट्राइक पे गई थी, हंगर स्ट्राइक पे ये चली गई थी 16 साल के लिए हंगर स्ट्राइक पे. क्यों? टू इन प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. इंडियन आर्म फोर्सेस की, इंडियन आर्म फोर्सेस की स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट जो है इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी. अब जो इंडियन आर्म्स फोर्सेस की स्पेशल पावर एक्ट है वो क्या कहती है कि ये जो फोर्सेस हैं इनको पूरा पूरा गवर्नमेंट जो है राइट देती है किसी को भी ऑन द स्पॉट गोली मारने का, और किसी के भी जो घर हैं, ठीक है, सिविलियंस हैं जो वहां के, उनके घरों को एक्वायर करने का वो उनको जो है ये राइट देती थी स्पेशल सिविलियन एक्ट. और इसी राइट के, अब हुआ क्या था कि जो आयराम शानू शर्मिला जी हैं, इनके घर के आगे एक बस स्टॉप है, वहां पर 9-10 जो है सिविलियंस खड़े थे. तो इन लोगों ने क्या किया था, पुलिस ने उन सबको शूट आउट कर दिया था. तो उसी के उसमें विरोध में इन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक करी थी, अपने 16 साल की हंगर स्ट्राइक. ठीक है, कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपनी जो है हंगर स्ट्राइक को तोड़ा है. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये थी कहाँ की, ये है मणिपुर की. ओके, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, मतलब 2018 वाला जो CHSL था हुआ 2019 में, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो है आपका बना था. सो अब करते हैं 14th क्वेश्चन. एंड द 14th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर करी थी? एंड ही वॉज विलियम हार्वे. विलियम हार्वे ने डिस्कवर करा था सर्कुलेशन. 15th क्वेश्चन इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पटियाला. डेयरिंग बाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन. डेयरिंग बाड़ी हिल स्टेशन है आपका, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका ओडिशा. ठीक है, और कहाँ पर है ये ओडिशा में? वहां पर एक कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. ये डेयरिंग बाड़ी हिल स्टेशन है, और इस हिल स्टेशन को हम कश्मीर ऑफ ओडिशा भी बोलते हैं, कश्मीर ऑफ ओडिशा. डेयरिंग बाड़ी हिल स्टेशन आल्सो नोन एज कश्मीर ऑफ ओडिशा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. इन 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरा वॉज कोडेड एज. पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1971 में इन पोखरान, उसका कोड क्या था? और उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा. डांसिंग बुद्धा नहीं, लाफिंग भी नहीं, ब्लेसिंग बुद्धा भी नहीं, उसका था स्माइलिंग बुद्धा. 18th क्वेश्चन, हु बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हो गई थी इन 1964, उसके बाद में जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे उनके बाद कौन थे? और वो थे गुलजारीलाल नंदा. ठीक है, गुलजारीलाल नंदा बने थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद इन 1964. अब 19th क्वेश्चन देखते हैं. इन मई 2019 CSIR के फुल फॉर्म देख लीजिए आप, साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ओके, CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम सीक्वेंस द एंटायर जीनोम. इन्होंने एंटायर जीनोम को सीक्वेंस किया था किसके? एशियाटिक लॉयन के सीक्वेंस को एंटायरली जो है सीक्वेंस किया था. ओके, 20th क्वेश्चन देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट
What does IP stand for? अब इंटरनेट में जो IP होता है, इंटरनेट आई मीन IP जो है होता है आपका IP एड्रेस आप लिखते हो, इसका मतलब IP की फुल फॉर्म क्या है इसमें? IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. 21st क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक्स कौन सा है इसमें से? मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट या लाइमस्टोन? एंड द आंसर इज ग्रेनाइट. जैसे कि आपको पता है एक कितने टाइप के रॉक्स होते हैं हमारे पास, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और कौन से होते हैं? सेडिमेंटरी. ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स. जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ये आपके बनते हैं जो आपका मोल्टन लावा होता है. ठीक है, मैग्मा जो आता है जब आपका लावा फटता है एकदम से, वॉल्केनो इरप्ट होता है, उसमें से लावा निकलता है और मैग्मा निकलता है, वो जब ठंडा हो जाता है बाहर आके तो एक ब्लैक कलर की परत बन जाती है, वहीं से आपके जो है हमें इग्नियस रॉक्स जो है वो मिलते हैं. राइट, नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं आपके? ये जब इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स जो है आपके, जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स की जब इनकी सेडिमेंटेशन हो जाती है तब बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो आपकी एग्जांपल्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? जिनेसिस, नेसिस, मार्बल. ठीक है, मार्बल जो है आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट एंड क्वार्टाइज. क्वार्टाइज ये है आपके मेटामॉर्फिक. अब सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं वो बनते हैं आपके सेडिमेंट्स के सॉलिडिफिकेशन के साथ. सेडिमेंट्री, अब देखिए जब आपको पता है ये एक माउंटेन है, यहाँ से आपकी रिवर आई. ठीक है, रिवर आई, यहाँ कुछ पत्थर होंगे, वो उनको दूर तक लेके जाएगी ये रिवर, जो इन पत्थरों को दूर दूर तक लेके जाएगी. अब जो मान लो अभी पत्थर का साइज इतना है, फिर इतना हो जाएगा, फिर और दूर जाके इतना होगा, फिर इतना वेदरिंग होगी यहाँ पर, है ना, जो है नेचुरल फोर्सेज इसमें एक्ट करेंगे, वेदरिंग होगी यहाँ पर, कुछ फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्सेज इन रॉक्स पे एक्ट करेगा, स्मॉलर स्मॉलर ये साइज में होते जाएंगे, है ना. अब जो फिर ये बनते हैं आपके सेडिमेंटरी रॉक्स, जो सेडिमेंटेशन से बनते हैं आपके, उसी को बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स. अब सेडिमेंटरी रॉक्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपका है लाइमस्टोन, सेकेंड इज सैंडस्टोन, थर्ड वन इज चौक, CHALK, जिप्सम, डोलोमाइट, शेल, मडस्टोन, कोल. ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सेडिमेंटरी रॉक्स के. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ. 22nd क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स एंटर्ड इट्स 90th ईयर ऑफ सर्विस ऑन 1st जून 2019. कौन सी ट्रेन जो है इसने अपने 90 साल पूरे कर लिए थे सर्विस के? ये आपके डेक्कन क्वीन. 23rd क्वेश्चन इज द 1982 एशियन गेम्स जो थे पर होस्टेड बाय 1982 एशियन गेम्स पर होस्टेड बाय इंडिया. ओके, 24th क्वेश्चन, सिलापादिकरम इज अ तमिल एपिक एंड दैट वाज रिटन बाय सिलापादिकरम इज अ तमिल एपिक एट वॉज रिटन बाय लांगो आदिगल. लांगो आदिगल, LLANGOADIGL. ओके, ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नोन एज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विद स्ट्रेस. जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कौन सा हार्मोन जो है, किस हार्मोन की कमी की वजह से आपको ये स्ट्रेस एकदम आपको लगता है एकदम स्ट्रेस में आप हो जाते हो? वो होता है सीरोटोनिन. सीरोटोनिन एक हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हो. अगर ये ठीक होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है. देन मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन एंड टेस्टोस्टेरोन आर ऑल्सो योर हार्मोन्स. ये भी आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए ये जो है काम आते हैं, इनके फंक्शंस. ठीक है, एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अच्छे से जिसमें मैं आपको सारे हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस बताऊंगी. सो टिल देन गुड बाय. वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. कोई भी डाउट आ रहा हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए. ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स. क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए
और ये तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है जब आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। देखिए आप ना तो कोई व्हीकल चल रहा बाहर, ना ही पॉल्यूशन है। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।